हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ सबका पसंदीदा बेसन ढोकला, जो बनेगा बिल्कुल मार्केट जैसा, सुपर सॉफ्ट, स्पंजी एंड वेरी जूसी। तो फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। इसके लिए हम लेंगे 1 चम्मच नमक, 3 चम्मच चीनी। ये नॉर्मल चम्मच है जो हम घर में यूज़ करते हैं। अब हम डालेंगे इसमें 1 चम्मच सिट्रिक एसिड, जिसे नींबू का सत या साठरी भी कहते हैं, और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 पिंच हल्दी। हल्दी हमें थोड़ी ही डालनी है, यदि हम ज़्यादा हल्दी डाल देंगे तो हमारा ढोकला क्या हो जाता है, कभी कभी लाल हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, यानी चीनी को और सिट्रिक एसिड को हम अच्छी तरह इसमें डिसॉल्व करेंगे। और जब तक ये डिसॉल्व होगी तब तक हम इसे मिलाते रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे बेसन। ये मैंने 250 ग्राम बेसन बारीक वाला लिया है और इसको हम इसमें धीरे धीरे मिक्स करेंगे और इसमें अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको हम एक इसका बैटर बनाएंगे। पानी को हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, जिससे कि इसमें कोई लम्स ना रहे और बैटर हमारा बिल्कुल स्मूथ बन जाए। तो देखिए, मैंने इसमें पानी डाल के इसका एक थिक पेस्ट बना लिया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई और डालेंगे इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। इससे हमारा ढोकला बहुत सॉफ्ट बनेगा और इसको डालकर हम अच्छी तरीके से इसको 1 से 2 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में बीट करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा एक गाढ़ा पेस्ट है इसलिए, और इसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करना, अच्छे से बीट करना बहुत ज़रूरी है, जिससे जो इसमें हमने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और एक स्मूथ बैटर बन जाए। हमें कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। अब हम इसको रख देंगे एक साइड में और हम अपनी प्लेट को, जिसमें हमें बनाना है उसको हम ग्रीस कर लेंगे। और अब हम इसमें बैटर में डाल देंगे 1 चम्मच सोडा, जो ये खाने वाला सोडा है, और इस पर हम डाल देंगे 1 चम्मच पानी और इसे हम बहुत जल्दी जल्दी हल्के हाथ से फेंट लेंगे। इसको हमें बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इतना फेंटना है कि अच्छे से मिक्स हो जाए। और देखिए कितना फ्लफी और हल्का हो गया है। अब हम इसे अपनी ग्रीस की हुई थाली में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये प्रोसीजर हमें बहुत जल्दी करना है। तो ये देखिए, मैंने इसमें इसे बैटर को सबको पोर कर लिया। इसको हम एक बार टैप करके इसको सेट कर देंगे। अब यहाँ मैंने ये कढ़ाई में पानी पहले से ही बॉईल कर रख दिया था। अब हम इसमें रखेंगे एक स्टैंड, जिस पे हमारी थाली अच्छे से सेट हो जाए, और इसको हम कवर कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम शुरू के 6 से 7 मिनट हाई रखेंगे और फिर हम इसको मीडियम कर देंगे। और ये देखिए 12 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और अब हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, नाइफ बिल्कुल साफ निकला है, यानी ये अच्छे से पक गया है और साइड भी इसने छोड़ दिए। अब इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके लिए हम तैयार करेंगे इसका डालने वाला पानी। तो इसके लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल लिया है पैन में और उसको गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच राई डाल दी। और राई तड़कने के बाद हम इसमें डालेंगे 5 से 6 हरी मिर्च कटी हुई, जिसको बीच में से मैंने कट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको मिक्स करेंगे
और अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने यहाँ पर 750 ml पानी यूज़ किए हैं, क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा पानी बहुत ज़्यादा भरा रहता है उसमें, जिससे कि वह जूसी बना रहता है। और यदि आपको कम पानी पसंद है तो आप इसमें पानी की मात्रा को कम भी कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच चीनी और इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 चम्मच सिट्रिक एसिड और इसको हम पानी को बॉईल करेंगे। इसका टेस्ट कुछ खट्टा, कुछ मीठा, कुछ नमकीन और थोड़ा सा तीखा लिए होता है, जैसे कि हम सिकंजी पीते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से। उसमें बस काला नमक पड़ता है और इसमें हम सफ़ेद नमक डालते हैं। तो लीजिए, ये पानी भी तैयार हो गया है। अब इसको हम हल्का ठंडा करेंगे, बस ज़्यादा हमें इसे ठंडा नहीं करना है, इसको केवल हल्का सा 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे इस पानी को, और फिर हम इसमें अपने ढोकले में इसको डालेंगे। तो यहाँ देखिए, ये ढोकला भी मेरा ठंडा हो चुका है। अब इसको हम पलट लेंगे और देख लिए ईज़िली ये निकल गया है और बना है ना कितना जालीदार। तो अब हम इसमें इसको काट लेंगे। ढोकले को कभी भी गरम गरम ना काटें, नहीं तो वो बिखर भी सकता है, इसलिए इसको ठंडा होने के बाद ही कट करें। और इसमें हम पानी डालेंगे गरम और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके पूरे में पानी को डाल देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सारा पानी इसमें डाल दिया है और इसको हम 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, इससे इसमें सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसके पीसेस को बाहर निकालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये लग रहा है ना बिल्कुल जालीदार, सॉफ्ट और जूसी। आई होप गाइस आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।